दिखाई नहीं दे रहा है। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 11:30 और आज ब्लॉग हो रहा है थोड़ा सा लेट स्टार्ट। तो अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी में कुछ डिफेक्ट था, उसको करेंगे ठीक। तो चल रहे हैं, अभी गाड़ी के पास पहुँचते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्रांड न्यू ट्रक अभी जाते जाते ही मिला। अभी चलेंगे आगे की तरफ हम लोग यार्ड में। हमारी गाड़ी निरचौक गई थी, तो हमने यार्ड में लगा दी थी। उसमें क्या था कि हाउस पाइप उसकी लीक थी। मैं आपको दिखाता हूँ हाउस पाइप कौन सी लीक थी उसकी, पहले गाड़ी के पास पहुँच लेते हैं। सो दोस्तों, रात को हमारी गाड़ी यार्ड में लगा दी थी हम लोगों ने, और अब लगाएंगे हम वहाँ ऊपर। आपको पता है सीमेंट की लाइन में वहाँ मन्नू भाई वाली गाड़ी लगी है। तो अगर मैं आपको पाइप दिखाऊँ कि कौन सी पाइप लीक थी, तो दोस्तों रेडिएटर की जो हाउस पाइप होती है यार, यहाँ से दिख नहीं रही है एग्जैक्ट। दूसरी तरफ से चलते हैं। ये देखिए, ये जो ये वाली पाइप है हाउस पाइप, ये लीक थी। ये पानी छोड़ रही है। अगर पानी गाड़ी में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पता है कि पानी ख़त्म होने से गाड़ी उबाल में आ जाएगी, इंजन हो सकता है। तो इसको थोड़ा टाइट करेंगे पहले, तब गाड़ी स्टार्ट करके हम ऊपर लाइन में लगाएंगे। अभी मैं कहाँ घुसा हूँ आपको मैं दिखाऊँ, ठीक इंजन के नीचे। ये देखिए लीकेज है, और लीकेज बढ़ गया गाड़ी में, इसको भी ठीक करवाएंगे यार। तो दोस्तों ये ना, ये जो ये क्लंप है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पर मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ तो ये घूम नहीं रहा है, क्योंकि इसकी ना जो चूड़ी है वो फ्री हो गई है। अब दिक्कत ये है कि साला अगर गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो पानी ज्यादा लीक करेगा। अभी या तो एक क्लंप चेंज करना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले गाड़ी लोड करनी पड़ेगी यार, उसके बाद ही हो सकता है, क्योंकि अभी गाड़ी में कहाँ ले जाऊंगा यहाँ से। तो थोड़ा सा जुगाड़ सा करते हैं इसका कुछ, अगर होता है, नहीं तो फिर जाना ही पड़ेगा मैकेनिक के पास। करता हूँ इसको टाइट थोड़ा, अगर होती है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि गाड़ी लगाएंगे ऊपर यार सीमेंट वाली लाइन में, गाड़ी अभी थोड़ी ठंडी है तो आराम आराम से जाएंगे। पर पता नहीं क्या होता है यार इसके ना, ये 2012 मॉडल इसके जो डीजल पंप है ना, उसमें कुछ फॉल्ट है। मतलब जैसे मैं सुबह इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये डीजल नहीं उठाती, मतलब 2-3 बार सेल्फ लेगी, तो उसमें यार गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, सेल्फ में दिक्कत हो जाएगी, बैटरी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसको भी दिखाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे को बताया गया था कि इसका एक जो पंप में क्लच पड़ता है, क्योंकि ये डिजिटल गाड़ी है करंट वाली, तो वो डलवाना है हमारे को। पहले एजेंसी में पता करेंगे, क्योंकि यार इससे पता चलता है, हम कई बार लोगों के बीच में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यार लोग सोचते हैं कि ऐसे ही है कोई, मतलब अनलगा सा, जिसको जैसे कनेक्टेड टाइम में हो जाता है कि बंदे बोलते हैं यार अभी आती नहीं है, वैसा सिस्टम सोचते हैं लोग। तो ये करवाएंगे ताकि अपनी गाड़ी भी फिट हो जाए थोड़ी सी, है ना। चलते हैं पहले ऊपर कहीं सीमेंट की लाइन में गाड़ी लगाते हैं, मनु भाई गाड़ी के पास कहीं। तो दोस्तों गाड़ी हमने नीचे से ला के यहाँ लगा दी। यहाँ वैसे मनु भाई की गाड़ी लगी थी, पर अभी नहीं है, तो मारेंगे गाड़ी को कपड़ा, थोड़ा साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि निरचौक जाने के बाद यार गाड़ी गंदी हो के आ जाती है। आपको पता है कि पिछले ही चक्कर धुलाई थी अभी, पर चलो कपड़ा मारते हैं। और नीचे लगी है गाड़ी लाइन। दोस्तों वो पाइप तो हुई नहीं ठीक, उसको घर से चाबी लाते हैं तब करते हैं। बाकी कपड़ा हमारा यार डाले को और नीचे और शो को मारा, बाडी रह गई साइड से, उसको मैं कहा बाद में करते हैं। घर जाते हैं थोड़ा हाथ वाथ धोवाते हैं, ब्रेकफास्ट तो करा नहीं है इसलिए लंच कराते हैं, उसके बाद चाबी लेके आते हैं 11 नंबर, और गाड़ी की जो हाउस पाइप लीक है रेडिएटर वाली उसको करते हैं टाइट। फिर देखते हैं अगर गाड़ी का नंबर आता है कहीं को तो चलेंगे आज। तो दोस्तों बज रहे हैं 2 दिन के, और मैं जा रहा हूँ गाड़ी की रिसीविंग करवाने यूनियन,
तो हमारी गाड़ी का जो नंबर है वो आ गया है कहीं को, पता नहीं कहाँ आया है, यहाँ ऐसा कुछ नाम है कि एमसी जो कंपनी है वहाँ पे हमारा नंबर आया गाड़ी का। अगर आपको मैं यूनियन दिखाऊँ तो ये रहा यूनियन, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है। चलते हैं, पहले पहुँच करवा लेते हैं गाड़ी की, उसके बाद देखते हैं कहाँ के लिए नंबर आया है हमारी गाड़ी का, गेट पास ढूंढेंगे। दोस्तों आ गया हूँ अपनी गाड़ी के पास में, बाहर हो रही है बारिश। अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर का सिस्टम तो बारिश लगी हुई है भाई। आया था गाड़ी लोड करने मगर अभी लाइन लगी हुई है, सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद जाता हूँ, क्यों फिर नहीं तो फिर 4 बजे वाली डिमांड हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बाहर का सिस्टम दिखाऊं तो कुछ ऐसा है दोस्तों, आप लोग धुंध देखोगे बाहर तो कितनी ज्यादा है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बरसात के दिनों में दोस्तों सीमेंट लोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, बड़ा मुश्किल। अभी धुंध इतनी ज्यादा पड़ गई थी बाहर, क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं अभी शाम के, फिर भी धुंध इतनी ज्यादा। आपको मैं दिखाऊं बाहर का सिस्टम तो देखो, आप लोग धुंध देखोगे इधर उधर, ऊपर से बारिश लगी हुई है। तो आजकल क्या हो जाता है कि बाय द वे थोड़ा सा भी पानी लग गया ना सीमेंट का बैग सेट हो जाता है यार। अभी लाइन लगी हुई है, रुका हुआ हूँ लाइन में, देखते हैं कितनी देर में चलेगी कितनी देर में नहीं। दोस्तों एंट्री तो करवा ली गाड़ी की, पर बारिश का माहौल है, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। हम लोग चलेंगे अपनी गाड़ी की तरफ, और हमारी गाड़ी कहाँ है भाई, हमारी गाड़ी है भाई यहाँ। बैठेंगे अपनी गाड़ी में, तरपाल फटा है वो अंदर ही खोलेंगे क्योंकि बारिश लगी है भाई, बारिश। सो दोस्तों 2 घंटे के बाद अंदर लोडिंग के लिए आया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे 5 नंबर मेरे को जो सूट है वहाँ पे लोडिंग के लिए बोला है। और भाई गाड़ियाँ आज बहुत सारी आई है लोडिंग के लिए, बाहर तो फिर भी धुंध ज़्यादा है, आप लोग देख रहे हो बाहर की तरफ धुंध कितनी ज़्यादा है, अंदर अभी अभी कम हुई। यहाँ पे तो गाड़ियाँ ठुकने के चांस हो गए थे ज़्यादातर, वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी थी, मेरे को गाड़ी अंदर लाना मुश्किल हो गया। पर अब ठीक है, मेरी गाड़ी लग गई है पॉइंट पे, अब बस बैक करेंगे लोड करेंगे। बारिश भी लगी भी है, बंद तो हुई नहीं है तब से, तो एक गाड़ी है अभी आगे, देखते हैं दोस्तों कर लेते हैं लोड, लगे हुए लाइन में। जैसे जैसे लोडिंग होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग पीछे पीछे करते जाएंगे अपनी गाड़ी। डाला फट्टा मैंने यहीं पे खोला अंदर आ गई, तो अब करते हैं इंतज़ार थोड़ा। बड़ी मुश्किल से दोस्तों 2.5 घंटे के बाद गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे लगी, तो वो यार लोडिंग करने वाले ही चले गए कहीं पे। अभी तो शिफ्ट का टाइम भी नहीं हुआ है, पर पता नहीं, तब इंतज़ार करूंगा फिर से, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों बड़ी मुशक्कत के बाद 5:45 बजे के आए हुए बंदे की गाड़ी 8:30 बजे लोड हो रही है, तो लोड हो गई, जा रहे हैं घर को, अब देखते हैं खाने पीने का कुछ। तो अभी के लिए जय श्री राम, मिलते हैं।